जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में स्प्रिंग के बारे में चर्चा की थी और आज के वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। आइए समझते हैं वर्क। वर्क जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य, ये होता है वर्क W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नॉर्मली हम इसको परिभाषित करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके हम दो प्रकार के फॉर्मूला यूज में लेते हैं। एक तो लेते हैं W बराबर F इंटू डी या DS। सॉरी, S। ठीक है, इसमें F होता है फोर्स और S होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको आगे हम खोलते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है Fs cos θ। क्यों? ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम और अच्छे से बोलें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट को हम जो जब खोलते हैं तो पीछे क्या आता है cos θ। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें से हम दो फॉर्मूला यूज में लेते हैं, ये पहला है, और इससे भी हम दो फॉर्मूला यूज में लेते हैं। कौन कौन से? पहला लेते हैं नॉर्मली W इक्वल टू F इंटू S नॉर्मल। ये कब लेते हैं? जब थीटा इक्वल टू होता है किसके? जीरो के। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, तब तो यूज करते हैं इसको। और दूसरा यूज करते हैं W इक्वल टू कौन सा? Fs cos θ, जब हमें थीटा दे रखा हो। ठीक है, दूसरा हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा? W इक्वल टू F.ds। एक बात याद रखें, इसका कब यूज करना है? जब फोर्स दे रखा हो क्या फिक्स या कांस्टेंट। आगे इनको हम उदाहरणों से समझेंगे एग्जांपल के द्वारा। दूसरा ये होता है F.ds, ये कब यूज करना है? ये यूज करना है जब फोर्स क्या हो फोर्स दे रखा हो वेरिएबल। मतलब जब फोर्स का मान या फोर्स की वैल्यू
चेंज होती है तब तो यूज करेंगे हम इसका। अगर फोर्स की वैल्यू फिक्स रहती है या कांस्टेंट रहती है तब किसका यूज करेंगे? इसका। इसको हम दोनों को हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल के द्वारा, इसका उपयोग, इसका यूज कब करना है और इसका यूज कब करना है। सबसे पहले इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एफ की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। दूसरा दे रखा क्या डिस्प्लेसमेंट, वो कितना दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। और इसमें हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड वर्क डन, किया हुआ कार्य क्या होगा। तो इसके लिए पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? W इक्वल टू एफ, और इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, डॉट 3i कैफ माइनस 2j कैफ आई कैफ है प्लस 2k कैफ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आशा करता हूँ आपको आता होगा, आई कैफ के साथ आई कैफ वाला, जे कैफ के साथ जे कैफ वाला और के कैफ के साथ के कैफ वाला, इनका गुणा कर देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2 × 3 माइनस, माइनस क्यों, या माइनस का चिन्ह है, 3 × 2 और प्लस 4 × 2 निकालें, 6 − 6 प्लस 8, 8 या 8 क्या जो भी, ठीक है, ये आंसर होगा। एक उदाहरण से और समझते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये बॉडी इज एक्टेड बाई F1 एंड F2 एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज S। तो F1, F2 और S के मान दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं, और हमें ज्ञात करना है फाइंड वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2 और नेट वर्क डन, ठीक है। करते हैं इसको, पहले निकालते हैं वर्क डन बाई F1। वर्क डन बाई F1, ठीक है, क्या होगा, W1 मान लेते हैं इसको, ये होगा F1 - .S, ठीक है। F1 के आपका मान क्या दे रखा है, क्या वैल्यू दे रखे हैं, 2i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ, डॉट एस कितना दे रखा है, 3i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ, ठीक है। तो निकालें,
डॉट प्रोडक्ट करें, 2 × 3 माइनस 2 × 2 और माइनस 3 × 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा कितना, माइनस 1 या 1 जो। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, 2 इसको मान लेते हैं W2 क्या वर्क होगा, F2.S। ठीक है, इनकी वैल्यू रखें, -2i -2j +5k .3i +2j -k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करें इनका, -2 × 3 -2 × 2 -5 × 1 1। ठीक है, यह आएगा -6 -4 और -5, ये हो जाएगा -15 या 15 जो। ठीक है, लास्ट नेटवर्क डन, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सा, डब्ल्यू नेट निकालें, इसके लिए डायरेक्ट F1 के द्वारा किया गया वर्क और F2 के द्वारा किया गया वर्क दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, F नेट W1 W2, ये कितना था, 1 और ये 15, 1 और 15, ये हो जाएगा 16 क्या जो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका है कि हम सबसे पहले एफ नेट निकाल लें और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दें किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2i ये हो जाएगा 0 आई कैफ -4j और 8k। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ -4j +8k। ठीक, तो डब्ल्यू नेट ने यहाँ से निकालें, ये होगा एफ नेट डॉट एस, वैल्यू रखें -4j +8k .3i +2j -k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करें, इसके लिए क्या है, 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 -8 और ये हो जाएगा -8। ठीक है, ये हो जाएगा -16 या 16 जो। ठीक है, वही वैल्यू निकल के आएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगली वीडियो या वर्ग से संबंधित आगे के जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए उनको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। राधे राधे।